दोस्तों नमस्कार, ये है आवाज इस पानी की झनकार। सिसारमा नदी 7 फीट पे चल रही है और पानी देखें आप कितनी तेज रफ्तार से, पानी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, जिसका सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। देखना आसान नहीं है, इतना जबरदस्त जो है वो परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और आप देखें कि बहुत ही खुशी की लहर है कि इस बार सिसारमा नदी में पानी जो है वो आया है और 7 फीट नदी जो है अभी चल रही है। तो आप देखें कि सिसारमा नदी जो है लगभग 7 फुट जो है वो उसका जल स्तर है। पानी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रौद्र रूप लिया हुआ है और आप सारी झलक जो है देख रहे हैं। सिसारमा नदी जो कि बहुत ही खूबसूरत है और नीट है। तो आप देखें कि सिसारमा नदी को देखने के लिए भाई साहब हमारे साथ में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि नदी आएगी लेकिन आ गई, बहुत धन्यवाद। तो देखें, आप नगरवासियों को उम्मीद नहीं थी, ग्रामवासियों को, कि नदी आएगी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही नदी 7 फीट इसका जो जल स्तर पहुंचा है, कहीं ना कहीं सबके चेहरे जो है वो खिले हैं। और यहाँ पर नदी को देखने के लिए देखिए हमारे सभी युवा भाई सभी आए हैं और बहुत ही गजब नदी चल रही है। तो क्या कैसा लग रहा है नदी को देख के, थोड़ा सा कैसा लग रहा है? कितनी सुबह कितनी थी और अभी कितनी चल रही है? 3 फीट अभी ज़्यादा हो गई, देखते देखते 7 फीट हो गई। तो काफ़ी खुशी की लहर है कि सिसारमा नदी जब आती है तो ग्रामवासियों को बहुत खुशी होती है। कितनी खुशी हो रही है आपकी, नदी आई है तो कैसा लग रहा है? तो इतने समय तक हम मंदार नदी को देखने के लिए जा रहे थे लेकिन अब हमारी अपनी नदी आ गई है। तो देखें बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जो है तो दोस्तों ये पानी सीधा पानी जो है वो जा रहा है पिछोला नदी के अंदर जा रहा है और पिछोला को भरते हुए ये पानी सीधा उदय सागर पहुँचेगा और उदय सागर में होता हुआ ये चित्तौड़ की तरफ पहुँचेगा। चित्तौड़ से होता हुआ ये पानी जो है आगे जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि उदय सागर भी लगभग भर चुका है और हमारा जो पिछोला है वो लगभग 4 फीट खाली है, तो 4 से 4.5 फीट खाली है। तो आज इसका जल स्तर जो है निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस प्रकार से बादल हो रहे हैं, जिस प्रकार से रात से ही बरसात हो रही है, मुझे लगता है कि ये झील भरने की जो है पूरी पूरी उम्मीद है। पुल टूट गई है? टूट गई कभी? आज टूट गई। अच्छा, तो कोडियात वाली जो पुल है उससे ऊपर पानी आ रहा है, उसका क्या दृश्य रहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूध तले के दृश्य दिखाने वाला हूँ जहाँ पर जल स्तर बढ़ता हुआ आपको जो है वो दिखाई देगा, कितना जल स्तर बढ़ा है और अभी जी ये पानी चला उससे कितना फर्क हुआ है झील में। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहे, खूबसूरत दृश्य देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।